हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो प्लॉट साइज़ है वो 16 फुट 4 इंच बाय 40 फुट। ओके, ये जो क्लाइंट है हमारे कानपुर से बिलोंग करते हैं विवेक कुमार। इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 2 बेडरूम प्लस शॉप, किचन और लैटरिंग बाथ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी इनकी, जो हमने पूरा करने की कोशिश की है। ओके, और ये प्लॉट जो है वास्तु के हिसाब से है। वास्तु के बारे में भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वास्तु जो है 100% जो है किसी भी छोटे प्लॉट में पॉसिबल नहीं है। तो हमने मोस्टली चीज़ें इसमें वास्तु के हिसाब से करने की कोशिश की है, प्लस जो चीज़ें इसमें वास्तु के हिसाब से नहीं है वो भी बताएंगे आपको कि क्या इसमें वास्तु के हिसाब से नहीं बैठ रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि उनके प्लॉट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा उन तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेआउट पर डिस्कस करते हैं। पहले दोस्तों, ये हमारा एक लेआउट है। इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या क्या है। एक तो इसका लेआउट है पहला, दूसरा है आपका कॉलम प्लेसमेंट, तीसरा है आपका साइजेस कि रूम कितने बाई कितने का है, किचन कितने बाई कितने का है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले वास्तु टॉपिक के हिसाब से हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉसिबल है और क्या क्या नहीं है। तो वास्तु के हिसाब से जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इसमें फिट नहीं बैठ रही थी, इसीलिए हमने थोड़ा बहुत इधर उधर किया है वास्तु के अकॉर्डिंग। मतलब 100% तो नहीं बोल सकते कि है ये, लेकिन फिर भी 60-40 या फिर 70 इसको किया है। ओके, तो पहली चीज़ ये है कि आपका ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है और नॉर्थ ईस्ट में जो है हमने स्टेयरकेस अवॉइड किया, क्योंकि ये जो है सेंसिटिव पोर्शन होता है पूरा, इसलिए हमने नॉर्थ वेस्ट में दे दिया इसको, जो कि दोनों जगहों पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 चल जाता है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद हमने यहाँ पे शॉप दे दिया। उसके बाद हमारा जो है दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे बेडरूम का, ये हमने एक बेडरूम यहाँ पे ले लिया, प्लस हमारी जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से घुसते ही जो है यहाँ पे छोटा सा लॉबी टाइप का बन गया। यहाँ पे आप कुछ भी आप रख सकते हैं, मैं इसको आपको फर्नीचर लेआउट भी दिखाऊंगा साथ के साथ। तो यहाँ पे आने के बाद क्लाइंट की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे टॉयलेट और बाथरूम जो है अलग अलग चाहिए, तो इस हिसाब से हमने कर दिया इसको कि बाथरूम यहाँ पे दे दिया और डोर इधर से इसलिए दिया है क्योंकि जो है इधर से हम देने से जो है ये पूरा पोर्शन गीला रहता अगर हम इधर से डोर रखते तो, इसलिए हमने इस साइड से कर दिया। ओके, किचन हमें यहाँ पे मिल गई अच्छी साइज़ की और पीछे वाला बेडरूम भी काफ़ी अच्छा साइज़ मिल गया। अगर हम चाहें तो साइजेस में जब बताऊँगा तब आपको बता देता हूँ। वैसे हम इसको एक एक फुट और बढ़ा भी सकते हैं इन दोनों को, शाफ्ट और टॉयलेट को, बाथरूम को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा फिर। ओके, अब हम किचन की पोजीशन भी ठीक नहीं है क्योंकि किचन की पोजीशन आपकी वास्तु के हिसाब से जो है ये कॉर्नर बन रहा है। ओके, तो ये कॉर्नर पे हमने भी करके देखा था, लेकिन इस हिसाब से 2 रूम सेट प्लस एक शॉप जो है नहीं बैठ रहा था, सारी स्पेस ख़राब हो रही थी, तो इसलिए हमने क्लाइंट को बताया कि ऐसे ऐसे कर ले, वो फिर भी बेटर है, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और वास्तु दोष भी थोड़ा बहुत 19-20 होगा। यहाँ पे हमने किचन दे दिया आपको ईस्ट फेसिंग में कुकटॉप। ओके, ये चीज़ें हैं वास्तु के ऊपर। टॉयलेट अपनी सही पोजीशन पे है, साफ अपनी सही पोजीशन पे है,
और बाथरूम भी अपने सही पोजीशन पे है। ये थी वास्तु के हिसाब से मैंने आपको लेआउट समझा दिया। ठीक है, अब स्टेयर्स की बात करते हैं। स्टेयर्स जो है हम नॉर्मली जो है 11 और 12 फुट हाइट के बीच में ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना राइजर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना इंच का देना चाहिए, 6.5, 7, 8, उस हिसाब से आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए हम फर्नीचर लेआउट एक बार देख लेते हैं उसको। दोस्तों ये हमारा फर्नीचर लेआउट है। फर्नीचर लेआउट हम पीछे से शुरू करते हैं। पहले बेड आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज का बेड है, 6.5x6 का है। ओके, अलमारी भी हमें अच्छी साइज़ की मिल रही है। आप चाहे तो पूरी लेंथ की अलमारी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रेसिंग भी प्रपोज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। ओके, LCD भी है आपका। मैं इसके साइजेस भी बताते चलता हूँ साथ के साथ। ये आपका 10x ऑलमोस्ट 12 फुट 3 इंच का है। 10x12 फुट 3 इंच। ओके, अब हम टॉयलेट की बात करते हैं तो 3 फुट आपका विड्थ है। और 5 फुट आपका लेंथ है। इसी हिसाब से ये आपका शाफ्ट भी हो गया। शाफ्ट 3 फुट विड्थ है और जो लेंथ है इसकी ये 4 फुट 7.5 इंच है। ओके, किचन का आप लेआउट एक बार देख सकते हैं इसको। ईस्ट फेसिंग हमने जो कुकटॉप बोला था वो है, प्लस यहाँ पे हमने आई थिंक वो मिस हो गया। यहाँ पे एक हमने चिमनी के लिए पाइप छोड़ा हुआ है जो ऊपर का फ्लोर से होते हुए जितने भी फ्लोर ऊपर आप कास्ट करोगे वो सारे में जाएगी। ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए है, जो कि आपका चिमनी का जो पाइप होता है वो जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, हमने यहाँ पे सिंक दिया हुआ है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दे दिया और यहाँ पे एक वॉश बेसिन दे दिया छोटा सा, जिसे कि अगर जिसको यूज करना हो कर सकता है। ये आपका बाथरूम का साइज है, 3 फुट विड्थ है और 4 फुट लेंथ है। 4 फुट है। किचन का साइज जो है आपका 6 फुट विड्थ है और 7 फुट 4 इंच के आसपास जो है आपका लेंथ है, 7 फुट 4 इंच। ओके, अब बेडरूम का साइज हम देख लेते हैं एक बार। ये छोटे वाले बेडरूम का साइज जो है 10 फुट 10.5 फुट लेंथ है इसकी और विड्थ जो है अप्रोक्स 8 फुट 6 8 साढ़े 8 फुट मान लो इसको, क्योंकि प्लास्टर प्लास्टर चढ़ने के बाद क्लियर मिलेगा। 8 फुट 6 इंच यानी 8.5 फुट। ठीक है, ये 1.5 इंच को मैं कैलकुलेट नहीं करता। चलिए, ये हो गया साइज। उसके बाद ये आपका साइज जो है लॉबी जो मिल रही है आपको 6 फुट 7 इंच की विड्थ की मिल रही है, प्लस यहाँ से आपको ये 6 फुट 3 इंच का मिल रहा है। ओके, शॉप की हम बात करते हैं। 10 फुट लेंथ की शॉप है और विड्थ जो है आपकी 9 फुट क्लियर है, 10x9। ओके, उम्मीद करता हूँ ये साइजेस सारे आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, स्टेयर्स की बात हम करते हैं तो आपका 6 फुट विड्थ है स्टेयर्स का है। लेंथ मैं बता देता हूँ, तेरह फुट 7 या 8 इंच आप मान सकते हैं इसको। 13 फुट 8 इंच में आपका ये स्टेयर्स हमने रन किया है इसको, और ऐसे जो है आपका 6 फुट है, 3 और 3 6। ओके,
तो ये तो साइजेस थे, प्लस हम कॉलम की भी मार्किंग आपको कर देते हैं। ठीक है, कॉलम आपका जो है यहाँ पे आएगा, एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा और दूसरी यहाँ पे आएगा। ओके, ये हम कॉलम की मार्किंग कर रहे हैं। ध्यान से आप देख सकते हैं इसको, कॉलम की मार्किंग कहाँ कहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट होगी, ये सारी चीजें हैं। ओके, ये आपकी हो गई कॉलम की पोजीशंस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 कॉलम्स आ गए आपके। ठीक है, इन कॉलम के साइजेस जो होंगे आपके 12 बाई 9 इंच का आप ले सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।